एट ईच रिटेलर मिल्क इज स्टॉकअप एंड वेन द कपैसिटी इज मेट मिल्क इज पास द नेक्स्ट रिटेलर कनेक्टेड टू इट कि जब एक रिटेलर फैक्ट्री की कैपैसिटी फुलफिल हो जाएगी तभी वो दूसरे रिटेलर फैक्ट्री में शिफ्ट होगा ठीक है द फिगर ऑल्सो गिवज द कैपैसिटी ऑफ ईच रिटेलर सारी रिटेलर की कैपैसिटी दे रखी है जैसे क्यू की सेवन फिफ्टी आर के एट हंड्रेड एंड सो ऑन द फ्लो इन द नेटवर्क इज सच दैट द रिक्वायरमेंट एट ऑल द रिटेलर इज एग्जैक्टली मेट अब uh, फ्लो ऐसा है कि जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली मीट हो जाए द एरोज गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क अब जो एरोज हैं वो क्या करती हैं वो डायरेक्शन देती हैं फ्लो ऑफ मिल्क का ठीक है द कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन कनेक्टेड टू डेरी इस 1500 हंड्रेड किलोमीटर्स अब जो डेयरी से कनेक्टेड पाइपलाइंस हैं जैसे कि एक्सपी हो गया एक्स हो गया एंड एस हो गया इनकी कैपेसिटी है 1500 हंड्रेड किलोलीटर्स एंड दैट पाइप लाइन कनेक्टेड टू रिटेल इज वन थाउजेंड लीटर्स और जो पाइप लाइन रिटेलर से कनेक्टेड है ये सब इनकी कैपैसिटी है स्लैग इन पाइप लाइन इज डिफाइंड एज द एक्सेस फ्लो रिक्वायर टू ब्रिंग द पाइप लाइन टू फुल कैपैसिटी अब वही सेम स्ग क्या होता है स्लैग का मतलब होता है वो एक्सेस फ्लो जो की रिक्वायर होता है एक पाइपलाइन को फुल कैपेसिटी में पहुंचने के लिए ठीक है तो अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वट इज द मिनिमम फ्लो इन किलोलीटर्स इन द पाइप लाइन की मिनिमम फ्लो बताया है कि एक्स टू आर के बीच में मिनिमम फ्लो कितना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले इन सब का सम कर लेते हैं क्योंकि टोटल फ्लो कितना है वो उतना फ्लो है जितना एक्जैक्टली exactly मीट हो जाए सारे रिटेलर फैक्ट्री से तो टोटल फ्लो तो 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 कितना होगा सिक्स हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड फिफ्टी प्लस एट हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड प्लस सेवन फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड तो ये आ जाएगा इक्वल फोर थाउजेंड तो 4000 थाउजेंड किलो का पूरा सप्लाई होना है ठीक है अब इसमें से अगर हम मैक्सिमम यहाँ पर भेज दें मैक्सिमम यहाँ पर भेज दें तो और इसको टोटल में से माइनस कर दें तो हमें मिनिमम यहाँ का पता चल जाएगा हाँ पता चल जाएगा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किए थे तो इसमें अगर हम फिफ्टीन हंड्रेड भेज दें इसमें हम फिफ्टीन हंड्रेड भेज दें तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री थाउजेंड ठीक है तो मिनिमम फ्लो एक्स टू आर कितना भेजना पड़ेगा वन थाउजेंड ठीक है तो एक्स टू आर कितना हो गया वन थाउजेंड बट दिस आंसर इज रॉन्ग क्यों क्योंकि देखो यहां से यहां तो अगर हमने 1500 मान लो भेज दिया तो इसमें से 600 हंड्रेड यहाँ ऑक्युपाई हो गया एंड 900 हंड्रेड यहां पर मूव हो गया लेकिन अब एक्स टू एस अगर हम फिफ्टीन हंड्रेड भेजेंगे तो फिफ्टीन हंड्रेड में से फोर हंड्रेड यहाँ पाया हो गया तो इलेवन हंड्रेड यहाँ पर जा सकता है नहीं क्यों क्योंकि रिटेलर्स के बीच में जो पाइपलाइन थी उसकी कैपेसिटी कितनी थी वन थाउजेंड किलोलीटर देखो इस पॉइंट में लिखा है दैट द कनेक्टिंग द इज रिटेलिटर्स तो इसका मतलब हम यहाँ पर पूरी फिफ्टीन हंड्रेड नहीं फ्लो कर सकते यहां पर होगा फोर्टीन हंड्रेड का फ्लो ताकि एस यहाँ पर फोर हंड्रेड रख लें एंड वन थाउजेंड यहाँ पर पास कर दें तो मतलब 1400 का फ्लो होगा यहां पर एंड कितना 1500 का फ्लो होगा यहां पर तो 1500 हंड्रेड प्लस इट इज थाउजेंड तो 2900 माइनस होगा फुल सप्लाई से तो इसका आंसर आ जाएगा 1100 तो 1100 फ्लो होगा मिनिमम एक्स टू आर ठीक है सो इट इज 1100 क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ द रिटेलर पी इज अंडर रिपेयर ठीक है पी जो है वो अंडर रिपेयर है एंड नो मिल्क फ्लो इन और आउट ऑफ इट ठीक है कोई पी से मिल्क का फ्लो नहीं होता एंड रिक्वायरमेंट एट क्यू इज हाफ फुलफिल्ड थ्रू आर अब जो आर है वो क्यू की रिक्वायरमेंट हाफ फुलफिल कर देता है मतलब आर क्यू को कितना ट्रांसफर करता है सेवन फिफ्टी का हाफ थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है देन वॉट इज द मैक्म क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन किलोलीटर्स दैट कैन रीच रिटेलर यू एज्यूम द रिक्वायरमेंट एट आर एस फुलफिल्ड फुल्ली तो देखो हमें ये तो पता है कि 1400 का फ्लो यहाँ पर होगा एक्स टू एस मैक्सिमम 1500 नहीं हो सकता ठीक है तो 1400 में से 400 तो एस ने रख लिया बचा कितना 1000 का फ्लो यहां पर होगा 1000 थाउजेंड में सेवन फिफ्टी इसने रख लिया बचा कितना 250 का फ्लो टी टू यू होगा तो मतलब अगर हम नीचे से जा रहे हैं तो आ, यू पे कितना फ्लो होगा टू का ठीक है अब देखते हैं अब देखो पी वाला हम रास्ता तो यूज कर नहीं सकते क्यों क्योंकि पी वाला अंडर रिपेयर है ठीक है तो एक्स टू आर देखते हैं एक्स टू आर में हम फिफ्टीन हंड्रेड का फुल सप्लाई कर सकते हैं तो फिफ्टीन हंड्रेड का सप्लाई मैक्सिमम एक्स टू आर हुआ ठीक है उसमें से एट हंड्रेड रख लिया आर ने अब फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड अब सेवन हंड्रेड में से हमने हाफ दे दिया था क्यू को तो सेवन हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड सेवनटी फाइव हमने क्यू को दे दिया बच्चा कितना सेवन हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड फाइव थ्री हंड्रेड फाइव फिर हमने आर से यू को दे दिया तो प्लस थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड फिफ्टी मिला हमें टी से यू में एंड थ्री हंड्रेड फाइव मिला हमें आर से यू में तो मैम क्वांटिटी कितनी है जो मिल्क की सप्लाई यू पे हो सकती है इट इज टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस थ्री हंड सेवेंटी फाइव दैट इज सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो आसान था ना दीज आर दोल्यूशन फ्राम थर्टी नाइन टू फोर्टी आई होप आपको समझ में आया होगा कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो अर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग